नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्किल्स पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपना असाइनमेंट कैसे ऑनलाइन जमा करें। यह वीडियो NIOS स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो 10वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट है 31/1/2022, यानी कि आपके पास मात्र 21 दिन बचा हुआ है असाइनमेंट जमा करने के लिए। तो 21 दिन के अंदर में आपको असाइनमेंट बनाना है और जमा करना है। इसमें कई लाख स्टूडेंट लेते होंगे एडमिशन और सब जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं मैसेज की कमी हो जाती है या उनको जानकारियां नहीं मिल पाते हैं कब असाइनमेंट जमा करना है, कब एग्जाम फीस जमा करना है, ये जानकारियां उनके पास नहीं मिल पाती है, जिनके कारण वो असाइनमेंट जमा नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो आपको YouTube पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को ये मैसेज पहुंच जाए कि आपको कब तक असाइनमेंट जमा करना है और कब तक आपको एग्जाम फीस जमा करना है। तो चलिए हम इस वीडियो में बतलाएंगे आपको कि कैसे आपको TA में अपलोड करना है और NIOS के एग्जाम फीस आप कैसे पे करेंगे, वो भी बतला देंगे। और देखिए, ये प्रोसेस तो 23 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ दिक्कतें थी उसमें, कुछ परेशानियां थी, कुछ कमियां थी पहले वाले प्रोसेस में, जिसके कारण दूसरा प्रोसेस अपनाया NIOS वालों ने TA में अपलोड करने के लिए। पहले प्रोसेस में सबमिट मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट ने कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर दें। तो पहले वाले प्रोसेस से अब TA में सबमिट नहीं होगा, अब आपको इजी प्रोसेस बतला दिया गया है। आप बहुत ही आसान है, आप TA में सबमिट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे, और ये भी बतला देते हैं आपको कि वर्चुअल ओपन स्कूल जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये एक ऐप के थ्रू है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप में पढ़िए, आप भी पढ़िए और NIOS में पढ़कर देश को बढ़ाइए। इस ऐप के द्वारा पढ़ने के लिए आपको कुछ फीस है, वो फीस पेमेंट करना होगा। इसमें हम देख लेते हैं वर्चुअल ओपन स्कूल जो प्लेटफॉर्म है, अगर कोई वर्चुअल ओपन स्कूल ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो उनके लिए आपको फीस देना होगा। जनरल कैटेगरी जो है 1500 रुपया है, और OBC SC और ST और एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपया है, और एडिशनल चार्ज जो है वो 50 रुपया लेगा, और ये ऑनलाइन ही आपको पे करना है, ठीक है। ये वर्चुअल ओपन स्कूल है, ये ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे कोर्स सब्जेक्ट के लिए क्लासेस होती है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला जो इससे पहले जो TA में अपलोड होता था वो वर्चुअल ओपन स्कूल के थ्रू ही होता था, तो उसमें ये पेमेंट का जो ऑप्शन है ये इनेबल कर दिया। तो ये इनेबल किया था सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, TA में अपलोड करने के लिए नहीं। TA में अपलोड जो हो रहा था वो BLE ऐप के माध्यम से हो रहा था, ये पेमेंट ऑप्शन जो आया है ये वर्चुअल स्कूल में है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कैसे बिना पैसे दिए आप अपना TA में अपलोड यानी कि जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टूडेंट लॉगिन करना है,
जैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे हमारे सामने डैशबोर्ड खुलेगा, और डैशबोर्ड में ये सारी चीजें होंगे। इनमें से हमें ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सेक्शन में जाना है। पहले यहाँ पे लिंक था, ये में क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ में था, यहाँ पे लिस्ट था सारे सब्जेक्ट का, क्लिक करते हैं तो सारा सब्जेक्ट का ये में डाउनलोड हो जाता है। अब क्या किया है इसने, बहुत ही अच्छा तरीके से इसने यहाँ पे कर दिया है कि अब आपको ये में डाउनलोड उसी सब्जेक्ट का होगा जो सब्जेक्ट आपने एडमिशन के समय चुना था। अगर आपने 5 सब्जेक्ट चुना है एडमिशन के समय, तो 5 सब्जेक्ट का ही आपको टीए में नजर आएंगे। 6 सब्जेक्ट चुना है, 6 सब्जेक्ट का टीए में नजर आएंगे। 7 सब्जेक्ट चुने हैं, 7 का नजर आएंगे। इसके अलावा आपको और भी सब्जेक्ट का नजर नहीं आएगा। पहले क्या था कि लिस्ट था, और लिस्ट में सारे सब्जेक्ट का था, तो सारे सब्जेक्ट का था तो हमें ढूंढना पड़ता था कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके फिर हमें उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करके फिर हमें स्टडी सेंटर पे या रीजनल सेंटर पे सबमिट करना होता था, लेकिन अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली अपलोड कर देना है पीडीएफ स्कैन करके, बस आपका सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम चेक करके एक बार देखते हैं क्या आ रहा है अभी। तो जैसे ही हम चेक किए तो यहाँ पे शो कर रहा है टीए में सबमिशन पेंडिंग, यानी कि अभी हमने एक भी सब्जेक्ट का टीए में सबमिट नहीं किया है, इसीलिए पेंडिंग दिखा रहा है। जब हम सबमिट कर देंगे तो यहाँ टीए में सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसमें क्लिक करके देखते हैं डाउनलोड और अपलोड टीएमए पे। जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे कैसे आपको सबमिट करना है और किन के लिए है और कब से कब तक करना है, ये सारी चीजें इसमें इंस्ट्रक्शन में है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में है, सेकंड स्टेप में, कि ये जो असाइनमेंट जो अपलोड करेंगे या सबमिट करेंगे वो सिर्फ स्ट्रीम 1 स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है, और जो स्ट्रीम 2, 3, 4 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अप्लीकेबल नहीं है टीएमए के लिए, ठीक है। और स्टेप थर्ड में लिखा हुआ है कि जिनका टीओसी है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जो होता है, टीओसी सब्जेक्ट का जो नंबर ट्रांसफर करवाते हैं, उनको जमा करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और चौथे में है कि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आप दोबारा आप उसको एडिट या दोबारा आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि हिंदी में हिंदी का ही आप टीए में सबमिट करें, हिस्ट्री में हिस्ट्री का ही, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल का ही, होम साइंस में होम साइंस का ही, और इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस का ही टीए में सबमिट करें। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ड्यू डेट जो है 31/1/2022 है, हर सब्जेक्ट के ऊपर में लिखा गया है कि 31/1/2022 तक ही आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, यानी कि अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1500 रुपया पर सब्जेक्ट लेट फीस लगेगा और एडिशनल चार्ज आपको 50 रुपया लगेगा। यानी कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, अगर हम 31 जनवरी 2022 के बाद करते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, 7,500 प्लस 50 रुपया जो एडिशनल चार्ज है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस डेट का ध्यान रखें और इस डेट से पहले आप अपना टीए में सबमिट करें, और एग्जाम फीस भी आप 31/1/2022 से पहले जमा कर दें क्योंकि उसके बाद आपको लेट टाइम भरना पड़ेगा। अब असाइनमेंट जो हम का जो पीडीएफ बनाएंगे वो कैसा होगा, तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड टीए में लिखा हुआ है सब्जेक्ट हिंदी, हमने सब्जेक्ट हिंदी लिया है, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए। उसके बाद
पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं का हमें आंसर ढूंढना है, बुक में, किताब में उनका आंसर ढूंढना है, और ढूंढने के बाद हम उसको लिखेंगे। लिखने के लिए आप यूज करेंगे ब्लैक पेन से आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लू पेन से उसका आंसर लिखेंगे। और मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से साफ साफ पीएमए का क्वेश्चन आंसर लिखें, और लिखने के बाद आप मोबाइल से या प्रिंटर से उसको स्कैन कर लें और स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी को सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक साइज भी है कि पीडीएफ का साइज जो है वो 5 MB से ज्यादा ना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट का बटन है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये चेंज नहीं होगा, वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद हम जब स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे सबमिटेड नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप पांचों सब्जेक्ट का कर लेना है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, 7 सब्जेक्ट लिए हैं, तो सातों का आपको टीए में जमा करना है, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि इस बार में आप चार चार सब्जेक्ट का ही एग्जाम देंगे या 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देंगे, क्योंकि आपका 1 साल का गैप नहीं होता है, तो आप 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम दे पाते हैं, और 4 सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम फीस भर पाएंगे। तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि आप टीए में जो है एक बार में ही सबमिट कर दीजिए, ठीक है। टीए में आप एक बार में सबमिट कर देंगे तो आपका टीए में जमा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको टीए में जमा करने की जरूरत नहीं होगी, और उस नेक्स्ट टाइम सिर्फ आप 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट रह जाएंगे उनका ही आप एग्जाम फीस भरेंगे और एग्जाम देंगे, आपको टीए में दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। समझ गए आप, और इस नोट को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आईपी एड्रेस ट्रैक करेगा लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सबका, तो इसीलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं अपना टीए में खुद ही जमा करें, मोबाइल से, लैपटॉप से या पीसी से, जैसे भी करनी हो आप लोग खुद ही जमा करें, बहुत ही आसान है जमा करना। आप इसको तैयार कीजिए, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट जमा कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर डाल देंगे और अपना वेबसाइट भी डाल देंगे। जिन विद्यार्थियों को असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस आंसर्स पीडीएफ में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना असाइनमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाइड बुक्स, सैंपल पेपर, कुंजी मंगाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।